बहुत प्यारा लग रहा है जी, बहुत ही गजब लग रहा है। बाल्यावस्था से बहुत सुना है कि ओडिशा एक ऐसी पावन भूमि, एक ऐसी पौराणिक भूमि, एक ऐसा खंड, एक ऐसा दिव्य खंड जिसमें संबलपुर भी है। माँ समलेश्वरी की ऐसी पावन धरती जो हम मन से सुनते थे, समझते थे कि कभी मेरा दाता ऐसी स्थिति देगा कि हम भी वहां जाएंगे। ओहो, हम क्या बताएं जी, हमसे फालतू की बात होती नहीं है, लेकिन कभी कभी हम अपने मन के उद्गार कहाँ बताएं, ज्यादातर स्टेज पर या प्रेस के सामने ही होता है मन। तो ये ऐसी धरती है जहां के प्रति व्यक्ति में हमें एक दिव्यता दिखी। जो भी मनुष्य हमें कल से दिख रहा है वो मंद मंद मुस्काता हुआ और शर्माता हुआ आ रहा है। ऐसा धरती पर भोलापन और परमात्मा की दिव्यता एक साथ कहीं होती नहीं। कितने लोगों को तो ऐ मेरे संबलपुर, कितने लोगों को तो घमंड ना होने का घमंड होता है। आप समझिए, बहुत सर, नो आई एम नॉट इगोइस्टिक, कम ऑन मैन, आई एम नॉट इगोइस्टिक। अरे भाई, तू ही सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो ऐ मेरे संबलपुर, यहां पर आकर माँ समलेश्वरी का प्रभाव तो आप लोगों में दिख रहा है, परंतु मेरे भोलेनाथ का भी प्रभाव दिख रहा है, मेरे महादेव का। क्यों? क्योंकि जहां भोले होते हैं वहां भोले का प्रभाव दिखता है। हरिओम।